Hello everyone, basic maths division of polynomials. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन ऑफ पॉलीनोमियल्स क्या होता है और इस टाइप के जो सवाल होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। टाइप वन में आप देखिएगा पहला सवाल, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है आपका x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं बेटा यहाँ पे, और हम इसको डिवाइड करके दिखाएंगे। तो इसके डिवाइड करने के दो तीन तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका आप देखिए क्या है कि पहले आप जो है x को 6 बार लिखेगा, x की पावर 6 का मतलब होता है x को आप 6 बार लिखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको ये पता हो और शायद ना भी पता हो, x की पावर जो 6 होता है बेटा उसको हम लोग लिखते हैं x into x into x into x into x into x, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि x plus x भी तो हो सकता था, लेकिन बेटा उसके लिए आपका जो टर्म होना चाहिए वो 6x होना चाहिए। तो 6x को हम लोग चाहें तो 6 into x भी लिख सकते हैं, और अगर इंटू नहीं करना है हम लोगों को तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बेटा x plus x plus x plus x plus x plus x, इस तरीके से लिखेंगे। समझ आया? तो x की पावर 6 है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उनको आप इंटू में लिखेंगे, और अगर 6x है तो फिर आप उसको x प्लस x तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब बेटा x जो है 6 बार है, मतलब 6x है, तो ये 1x 2x 3x ये हो गया, लेकिन ये 6 बार नहीं है, ये 6 टाइम्स होगा। टाइम्स जब लगाते हैं तो इंटू आएगा, बार लगाते हैं तो बेटा आप लोग प्लस लगा सकते हैं, माइनस का यहाँ पे कोई खेल है नहीं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ x की पावर 4 का बेटा, कि हम x को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। वेरी गुड, ये टाइप वन के सवाल काफी सिंपल और इजी होते हैं, देखिएगा आप लोग। तो ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका एक और एक कितना होगा बेटा, ऊपर पावर 2 हो जाएगा, और ये x की पावर 2 आपका आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो बेटा इसका ये था। एक तरीका होता है लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं, यदि कहते हैं आप सपोज करिएगा x की पावर a है अपॉन x की पावर b है, तो आप उसे चाहे तो लिख सकते हैं x और a माइनस b, मतलब पावर जो है डिवीजन में हमेशा ही माइनस हो जाती है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, अगर बेटा मैं यहां पे 6 कर देता हूं और यहां पे 4 कर देता हूं, तो दिमाग लगाइए a के स्थान पे क्या आ गया 6, b के स्थान पे क्या आएगा 4, सॉल्व करिए एक्स स्क्वायर। अब आपको हो सकता है ये काफी आसान लगे, लेकिन हर सवाल बेटा इस मेथड से नहीं होगा, तो इसलिए आपको अब ये मेथड समझाया जाएगा। ठीक है, ये आपको किस तरीके से मतलब हेल्प करेगा सॉल्व करने में, ये आप देखते जाइएगा। सवाल नंबर 2, x की पावर 10 अपॉन में x की पावर 5, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं आप 3 करूं तो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, पावर लॉ समझ लेना। ठीक है, और देखिएगा सवाल नंबर 3, ये सवाल है आपका tan x स्क्वायर y अपॉन 6xy स्क्वायर, इस तरीके से सवाल दिया हुआ है। देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मैं फिर समझा देता हूं। देखिए बेटा, अगर x की पावर 3 है तो इसका मतलब होगा कि हम x को 3 टाइम्स कर सकते हैं, यानी कि x का 3 टाइम मतलब x into x, तो ये x 3 बार हो गया। और अगर ये 3x होगा तो बेटा इसको आप प्लस करके लिखेंगे x plus x plus x, इस तरीके से लिखा जाए, ये आपको आगे काफी हेल्प करेगा सवालों को समझने में और करने में। देखिए, फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 का कितने होते हैं 10, x को कितनी बार लिखा जाएगा 2 टाइम्स, y आपका क्या रहेगा बेटा सेम, क्योंकि y केवल उसके ऊपर पावर 1 मानी जाएगी, तो 1 बार लिखेंगे। 6 के भी आपके फैक्टर होते हैं 2, 3 या 6, इंटू x कितनी बार है बेटा 1 बार, y कितनी बार है 2 बार। ठीक है, अब आप जो है देखिए, जो भी यहां पे कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर देंगे, ये यहां कैंसिल हो जाएगा, ये यहां पर कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में नहीं हुए तो कोई बात नहीं, और ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी बच गए वो आपका आंसर है, क्या बचा आपके पास 5x बचा, और क्या बचा आपके पास 3y बचा, दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा,
अब ऐसा तो नहीं है कि पावर हमेशा आपको कम ही कम मिलेगी, हो सकता है पावर ज्यादा मिल जाए, हो सकता है 49x की पावर 20 और इनटू नहीं है, बस सीधा दे दिया y की पावर 6 और यहां पर दे दिया आपको 14x की पावर 10, y की पावर सपोज करिए दे दिया है 17 व्हाटएवर, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे ही है, आपको जरूरी तो नहीं है कि आप इस तरीके से ही उसको पहले एक्सपेंड करेंगे फिर सोल्व करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा लिखने में। तो हम लोग क्या करते हैं सवालों में, जो संभव है उनको तो थोड़ा सा कर लेंगे सोल्व, जैसे इन दोनों को कर सकते हैं 7 7 49 होता है, इनको हमने सेम छोड़ देंगे इस बार, क्योंकि आप खुद भी देखेगा इनको एक्स को 21 लिखने में काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे इसको, 14 के लिए 2 7 14 चलेगा और बेटा एक्स को 10 पर नहीं लिखेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले तो आप देखिए 7 7 कट जाएगा, ठीक है, सुन आ रहा है आप लोगों को, मैं यहीं पे सोल्व करता हूं इसको, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, दिमाग लगाइए ऊपर क्या बचेगा, 7 अभी बचेगा, और इन दोनों में देखिएगा, देखो ये एक्स की पावर 20 है अपॉन में है एक्स की पावर 10, तो आप जब इनको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, एक्स की पावर 10 ही तो बचेगा, मतलब एक्स को अगर आप 20 बार लिखेंगे और नीचे एक्स 10 बार लिखेंगे तो 10x जो होंगे आपके 10 जो है 10 बार लिखे होंगे ऐसे, वो तो ऊपर से कट जाएंगे लेकिन ऊपर फिर भी आपके पास 10 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा बेटा, तो ये x की पावर 10 बचेगा। उसी तरीके से ऊपर तो एक बार 6 है आपके पास, यहाँ पे 17 है तो ज्यादा यहाँ पे, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया आप लोग तो 2 तो ये बचेगा आपके पास और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होने के बाद बच जाएगा y की पावर 11। उम्मीद है सुन आया होगा, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको एक बार और करके दिखाता हूं। नंबर फाइव है, ये है 25, ए भी आ सकता है, जरूर नहीं कि एक्स ही मिलेगा, ए भी मिल सकता है, एल भी, एम भी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू मानी जाती है, इसे वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़ गए तो फिर ये वेरिएबल ही माने जाएंगे। बी की पावर 100 कर लेते हैं चलो, अपॉन में 50, ए की पावर 20 और बी की पावर हम ले लेते हैं सपोज करो चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है बेटा। सोल्व करने का तरीका समझ सकते हैं आप बड़े आराम से, आप पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे जो नंबर दिए हुए हैं, देखो 25 25 25 50, ये तो हो गया। यहां पर आप लोग देखेंगे ऊपर ये बेटा 6 बार है, कितनी बार है 20 बार है, तो ये 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास ये देखना है, तो ये तो नीचे बचेगा, कितना बचेगा 2 आपके पास है ऑलरेडी, ये इसमें 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो a की पावर 14 बचेगा और बेटा ये ऊपर जाएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है बड़ा वही रहेगा छोटा उसके पास आएगा, तो ये बड़ा है तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये टोटल जो है बेटा आपका 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 80 बचेगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं अगर बी की पावर आपके पास 10 है और बी की पावर आपके पास 2 है तो आप करोगे क्या भाई, बी को 10 बार लिखोगे लिखोगे तो सपोज करो बी को हमने 10 बार लिखा, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी 5 times 6 times 7 और 8 2 4 6 8 और ये बेटा हो गए 10 times, मानते और बी को 2 बार लिखोगे। अब आप ये देखिएगा भाई यहां से 2 बी तो आपके हट जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आपके पास फिर भी बी की पावर 8 बना, तो वही हमने आपको बताया है कि बड़ा जो होगा वही रहेगा छोटा उसके पास जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 माइनस ऐसे करके 2 होगा और b की पावर 8 होगा। इस तरीके से आप उन सब सवालों को सोल्व करेंगे। इनके लिए कंडीशन है कि बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो वो फिर इस तरीके से सोल्व नहीं होगा, उसके लिए टाइप 2 है, टाइप 2 को आप समझेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ओके 7 8 9 और 10 आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि आप घर से करेंगे, ठीक है, ऐसा करिएगा, ये सवाल आपने उतार लिया होगा, 10 क्वेश्चन हम आपको यहां लिख देते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपके पास x की पावर 9 अपॉन में x की पावर 7 आराम से हो जाएगा, 2 a की पावर 6 10 a की पावर 2 बिल्कुल होगा सॉल्व। 8 देखिएगा, इसमें हम लोग कर लेते हैं 7 x स्क्वायर y की पावर 3
यहां पे कर लेते हैं 21x सेम y की पावर 4, सॉल्व करके देखेंगे तो आंसर जरूर आएगा नंबर 9 और 10 यहां ले लेते हैं। नंबर 9 में आपको सॉल्व करके देखना है a की पावर 4 b y की पावर 6, यहां पे होगा a की पावर 6 b सेम y की पावर 2, ठीक है बेटा। और 10 में कर लेते हैं 35 अपॉन में 14, ये हो जाएगा a की पावर 6 b सेम, यहां पर a सेम b की पावर 6, ठीक है। अब आप इनको नोट करो, सॉल्व करो, समझो और अगली वीडियो में टाइप 2 के सवालों को हम चेक करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको। थैंक यू।